नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जी महिंद्रा के अर्जुन 555 DI DLX मॉडल का। ये ट्रैक्टर काफ़ी पसंद किया जाता है, ताकत और फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से काफ़ी पसंद किया जाता है ट्रैक्टर। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। सामने बोनट पर महिंद्रा का लोगो दे रखा है, दो लाइट्स दे रखी हैं बोनट में, सिंगल वन टच बोनट के साथ ये ट्रैक्टर आता है। इसका जो एयर क्लीनर है वो ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर 3054 cc और 2100 रेटेड RPM पर काम करता है। बात करें इसके पावर स्टीयरिंग की, जो इसका पावर स्टीयरिंग है वो डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग है, डबल सिलेंडर के साथ आता है। इस साइड भी है और इस साइड भी है, डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग के साथ सिलेंडर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और इसका जो फ्रंट एक्सल है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, काफ़ी मजबूत फ्रंट एक्सल दे रखा है कंपनी ने। टूल किट साइड में दे रखा है, चढ़ने के लिए एक स्टेप दे रखा है, काफ़ी ऊंचाई पर बना रखा है ट्रैक्टर, काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है ट्रैक्टर का। किसान जो है वो कंफर्टेबल होकर घंटों तक काम कर सकता है। छोटा स्टेयरिंग दे रखा है, स्टेयरिंग के ऊपर महिंद्रा का लोगो है। ये इसका डिजिटल क्रस्टर है जी, ये RPM मीटर है, ये फ्यूल मीटर है, ये टैंक का और ये ऑयल का, उस इंडिकेशन के लिए भी मीटर है। राइट साइड में एक मिरर दे रखा है। और बात करें इसके क्लच की, ये ट्रैक्टर सिंगल और डबल दोनों ऑप्शन में आता है। और जो इसके ब्रेक हैं वो तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं, ऑयल इमर्स ब्रेक्स दे रखे हैं ट्रैक्टर में। अब बात करते हैं इसके गेयर्स की। इसके जो गेयर्स हैं वो गेयर बॉक्स है जो फुली कांस्टेंट मैक्स सिंक्रोमैक्स साइड शिफ्ट गेयर्स में आता है ये ट्रैक्टर, जिसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गेयर आपको मिलेंगे विद लो हाई। अब बात करते हैं इसके जो PTO का क्लच है वो पैडल में ही दे रखा है इसका क्लच। और इसकी जो PTO है वो फॉरवर्ड और रिवर्स 540 रेटेड RPM पर काम करती है। और इसके जो ड्राफ्ट कंट्रोल है, पोजीशन कंट्रोल है, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपने इंप्लीमेंट को जहां सेट करना चाहता है वो कर सकता है। ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल, नीचे ये पार्किंग ब्रेक्स दे रखा है, ये हाइड्रोलिक लीवर दे रखा है, लेज़र लेवलर और जैक वाली ट्रॉली के लिए, रिवर्सिबल MB प्लो के लिए ये हाइड्रोलिक लीवर दे रखा है साइड में। और जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और खुला प्लेटफॉर्म दे रखा है। ये इसका पार्किंग बटन है जी। ये लोहाई बीम के लिए दे रखा है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए दे रखा है, ये हाथ वाली रेस है, ये पैर वाली रेस है। इसकी जो सीट है वो एडजस्टेबल सीट है, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके जो टायर के हैं, जो रियर टायर हैं, पिछले टायर हैं वो 14928 के टायर हैं, आगे के टायर हैं वो 750-16 के टायर हैं। काफ़ी अच्छे मडगार्ड दे रखे हैं, मडगार्ड के दोनों स्पोर्ट दे रखी है, और पीछे जो लाइट्स दे रखी है मडगार्ड की, उनके कवर में है लाइट्स। अब बात करते हैं इसके पिछले हिस्से की। पिछला जो हिस्सा है इसका नॉर्मल
ड्यूटी रियर एक्सल में आता है ये ट्रैक्टर। और जो इसकी पीटीयू पावर है वो 48 HP की पीटीयू पावर है, और जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1800 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। पीछे एक LED लाइट्स दे रखी है रात में काम करने के लिए, किसान को जैसे रात में काम करना होता है पीछे देखने के। साथ में एक टॉपलिन है, एक रिफ्लेक्टर दे रखा है साथ में। ये मडगार्ड के सपोर्ट के लिए ग्रिप ये दे रखा है, दोनों मडगार्ड के लिए एक सपोर्ट दे रखी है, दे रखा है डबल डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है, और पीछे एक इलेक्ट्रिक स्विच रखा है पीछे की लाइट्स के लिए ट्रॉली। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बना रखा है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 65 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच रहे। धन्यवाद जी।